दोस्तों आज हम बनाएंगे सिंधी स्टाइल में बेसन की टिक्की की सब्जी। बेसन के गट्टे की सब्जी सिंधी स्टाइल में किस तरह से बनती है देखिए। सबसे पहले 5-6 प्याज काट लेंगे हम छील के। अब हम एक खाली बाउल ले लेंगे और उसमें सबसे पहले हम बेसन डालेंगे। ये हम 3-4 लोगों की सब्जी बना रहे हैं तो उसके लिए हमने करीब 100-150 ग्राम बेसन लिया है। ये हमने जो प्याज चॉप किया है काटा है उसमें से करीब एक प्याज करीब डाल देंगे कटा हुआ। ये थोड़ा बारीक काटा था हमने अलग से एक प्याज और थोड़ी हरी मिर्च लगभग एक हरी मिर्च चॉप करके बिल्कुल बारीक और डाल देंगे इसमें बेसन में। नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से, कम ज़्यादा जितना आप चाहें। जीरा करीब 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी खसखस डाल देंगे 1/4 चम्मच करीब। हींग 1 चुटकी, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, इसको मैश कर लेंगे। बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज वगैरह को। थोड़ा सा अनारदाना डालेंगे, सूखा हुआ अनारदाना, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं और अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो मत डालिए, लेकिन अनारदाना डालने से अच्छा टेस्ट आ जाता है। कुकिंग ऑयल तीन चार टीस्पून डाल देंगे जो कि इसमें मोयन का काम करेगा। अच्छे से बेसन में सबको मिक्स करके और गूंथ लेंगे। मोयन इसमें मिक्स हो गया अच्छे से, अब इसमें थोड़ा पानी डाल के गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। बेसन को नरम नहीं गूंथेंगे, सख्त गूंथेंगे और गूंथ करके इसकी लोइयां बनानी है हमें छोटी छोटी। ये डो तैयार हो गया है, बेसन का मसालेदार डो टिकिया बनाने के लिए। इस तरह लोइयां बना लेंगे, छोटी छोटी लोइयां, और तब आके ये टिक्की तैयार हो गई। ये टिक्कियां तैयार हो गई बनकर, अब इनकी सब्जी बनाना शुरू करेंगे। गैस जलाएंगे, फ्राई पैन रखेंगे, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, फ्राई पैन या कढ़ाई लेकर के गैस पे रख देंगे। एक टेबल स्पून करीब कुकिंग ऑयल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल। अब इसमें प्याज डाल देंगे, ऑयल गर्म हो गया हमारा, 4 बारीक प्याज जो हमने काटे थे वो इसमें डाल दिए, क्योंकि इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक होती है तो इसमें प्याज थोड़ा ज्यादा डलता है सब्जी में।
प्याज भुन रहा है हमारा। इन टिक्कियों को बनाने का दो तरीका होता है, कई लोग इसे फ्राई करके भी बनाते हैं, हमने बिना फ्राई के बना रहे हैं हम लोग। आप चाहे तो इन्हें फ्राई करके भी बना सकते हैं, फुल फ्राई नहीं किया जाता है इन्हें, हल्का हल्का डीप फ्राई किया जाता है और फिर फ्राई करके निकाल लिया जाता है। हमारा प्याज गुलाबी हो गया है, अब इसे थोड़ा ब्राउन होने देंगे, पत्ते इसे चलाते रहेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है हल्का हल्का, इसमें एक छोटी इलायची और एक मिर्च, सूखा मिर्च लाल, डाल के हल्का सा घुमा लेंगे, हल्का सा मिर्च हमारा फ्राई हो जाए। उसके बाद कटे हुए टमाटर, ये लगभग 4 मीडियम टमाटर हैं कटे हुए, डाल देते हैं, क्योंकि हमने इसमें प्याज ज़्यादा डाला है, टमाटर से थोड़ा ज़्यादा लगता है ताकि ग्रेवी अच्छे से बने इसमें। एक हरा मिर्च कटा हुआ, क्योंकि इसकी ग्रेवी ठीक होती है, सब्जी की ग्रेवी। थोड़ी देर ढक देंगे, टमाटर पक जाए। टमाटर पक चुका है, इसे मैश कर दिया है हमने, अब इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच करीब धनिया पिसा हुआ, नमक मसाले में स्वाद के हिसाब से। टिक्कियों में तो हमने नमक डाल ही दिया था। एक चौथाई चम्मच करीब कश्मीरी मिर्च डाल देंगे ताकि हमारी सब्जी में अच्छा सा कलर निखर के आए। मसालों को मिक्स कर लेंगे। मसाला तैयार हो गया हमारा, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे हल्की सी ग्रेवी बनाने के हिसाब से। करीब 1 गिलास पानी हमने डाला है इसमें। और फिर धीरे धीरे करके जो टिक्किया हमने बनाई थी, ये टिक्कियां धीरे धीरे इस तरह छोड़ देंगे ग्रेवी में। अब आंच को धीमा करके और ढक्कन लगा के और सिझा देंगे, सीजने रखेंगे पकने के लिए। देखिए हल्के हल्के से पलटाएंगे इसको, बिल्कुल हल्के से, धीरे से, क्योंकि हमने इनको फ्राई नहीं किया है तो टूटने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ जी, सारी हल्के से पलट लेंगे। वापस से ढक देंगे और आंच को धीमा करके, धीमी आंच पे इसको सिझाते रहेंगे। सब्जी तैयार हो गई है हमारी। टिकिया पूरी तरह पक चुकी हैं भाप में। सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। गरम गरम सर्व कीजिए और रोटी के साथ खाइए।
एक बार ये सिंधी स्टाइल की सब्जी आप बना के देखिए, आपको बिल्कुल अलग ही टेस्ट आएगा गट्टों का। अब हमारी